हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार दोस्तों बहुत तेजी में है, यानी कि एडमिशन यहां के बहुत जल्दी होने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही इनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, इन्होंने बहुत जल्दी सांस लेने का भी समय नहीं मिला, आपको आंसर की अपलोड कर दी। अब दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक नई इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना। दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उनको पता नहीं होता कि भैया कौन सा मेन कैंपस है, कौन सा अफिलिएटेड कॉलेज है। तो काउंसिलिंग में भैया अप्लाई करते वक्त वो लोग अपने च्वाइस फिलिंग में गलती कर देते हैं, तो जिनका एडमिशन मेन कैंपस में होना चाहिए उनका अफिलिएटेड कॉलेज में हो जाता है। तो ऐसी गलती आप मत करना, इसलिए ये वीडियो मैं आपकी बनाया हूँ। एंड ये जो च्वाइस फिलिंग है ये सबको करना है, जिसने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है सबको अपने अफिलिएटेड कॉलेज में से च्वाइस करना है। एंड अपने सब्जेक्ट को भी च्वाइस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो अगर आपने एक भी गलती की तो बाद में आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, बाद में चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। चलो अब दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो कि लखनऊ से अफिलिएटेड है, उनका एडमिशन भी साथ में लेता है, यानी कि आपके जो मार्क्स आए हैं उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग में आपका एडमिशन उन प्राइवेट कॉलेज में भी हो जाएगा। एंड डिग्री भी आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की मिलेगी, बट वो होंगे प्राइवेट कॉलेज, वहाँ की फीस होगी ज्यादा। तो भैया जब आप लोग अपने फॉर्म को ओपन करोगे, आपको एक अभी ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, ठीक है, च्वाइस फिलिंग का। तो जिसने अभी एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके लिए च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है। आपको भैया लॉग इन करने के बाद में वहाँ पे च्वाइस करना है कॉलेज का लिस्ट। आप जो भी कॉलेज को पहले रखोगे उसमें एडमिशन आपका पहले होगा। जिसने गलती करके किसी प्राइवेट कॉलेज को पहले चूज कर दिया तो उसका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा एंड मेन कैंपस पे नहीं हो पाएगा, जहाँ की फीस बहुत कम है। भैया आपको अपना च्वाइस फिलिंग करना है, ध्यान देना है कि गलती मत करना, मेन कैंपस को सबसे पहले रखना, उसके बाद में आपको जो भी प्राइवेट कॉलेज को रखना है उसको उसके नीचे रखना, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। एंड ऐसे ही दोस्तों आपको सब्जेक्ट भी चूज करना होगा, जहाँ पे आपको माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगी कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस एंड लखनऊ का सिलेबस सेम है, परेशान मत हो। तो भैया माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कॉमर्स के मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया, अब आपको करना कैसे च्वाइस फिलिंग, जाना कहाँ पे होगा। तो आपको सीधे आना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप आ जाओ, आपको दिखाई देगा फिफ्थ ईयर फॉर च्वाइस फिलिंग, ठीक है। इसको ओपन करना तो आपके सामने आई डी पासवर्ड आ जाएगा, आपको भैया यहाँ पे लॉग इन करना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लॉग इन किया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, लॉग इन करने के बाद में आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको च्वाइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग, मैं आपको प्रॉपर मैं दिखाऊंगा नहीं कि भैया क्योंकि किसी की आईडी है, आप जाके अपना बस मेन कैंपस को टॉप पे रखना, ये गलती मत करना कि किसी प्राइवेट कॉलेज को टॉप पे रख दो, ठीक है। बस और कोई भी यहाँ पे खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन के चैनल पे बने जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया है सबमिट काउंसिलिंग फीस, ठीक है, इसी में आपको जाके अपना भरना है, ओके। ये देखो च्वाइस फिलिंग आपको यहाँ पे दिखाया है, आप जैसे च्वाइस फिलिंग यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि च्वाइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। चलो दोस्तों आपको च्वाइस फिलिंग करने से पहले आपको काउंसलिंग का फीस जमा करना होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे लॉगिन करोगे ओपन आ जाएगा, यहाँ पे आपको भैया काउंसलिंग का फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है, ओके। फिर आपको सबमिट करके फीस पेमेंट कर देना, फीस पेमेंट करने के बाद में ही भैया आपका देखो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन एंड 500 रुपये एडवांस कोर्स फी, यानी कि भैया अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो ये 500 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन हो जाता है तो यही 500 आपके फीस में भैया एडजस्ट हो जाएगा। ये फीस पेमेंट करोगे उसके बाद में आपको च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप च्वाइस फिलिंग भी कर सकते हो। बस कॉलेज को मेन कैंपस को ऊपर रखना एंड अपडेटेड कॉलेज को नीचे रखना, बस और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के चैनल पे बने हो, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच। अगर दिक्कत आई है, समस्या आई है तो मैं इसको भाई के भी दिखा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, थैंक यू सो मच।